Hi guys, my name is Sudeshna and welcome back to my channel. So, आज की वीडियो में मैं फिर से हिंदी में बात करने वाली हूँ. So, yeah, but I will definitely try to attach subtitles so that people who can't understand Hindi can maybe see that. So, आज की वीडियो में मैं एक और ethnic group का लहंगा try करने वाली हूँ. अगर आपने मेरा पहला ethnic group का वीडियो नहीं देखा है तो I will leave it down in the description box below. So, guys, मैं एक और चीज़ जल्दी से mention करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे previous वीडियो में बहुत सारे comments ऐसे आए थे asking कि shipping free है कि नहीं and all that. So, मैं जल्दी से बोल देना चाहती हूँ कि ethnicgroup.com के पास cash on delivery है and they have free shipping all over India. मैंने एक आलिया भट्ट का सभ्यसाची लहंगा रिव्यू किया था और उसको स्टिच करके स्टाइल किया था. बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए थे उस वीडियो पे. सो आई एम सो सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच गाइस. पर अलॉन्ग विद दैट देयर वर आल्सो अ लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग कि मैं और भी एथनिक रूप से लहंगा ट्राई करूँ. वो वाला आलिया भट्ट इंस्पायर्ड सभ्यसाची लहंगा था बट दिस वन इज जस्ट अ लहंगा दैट आई रियली लाइक ऑन द वेबसाइट. मेरे पास कोई रेड कलर का लहंगा नहीं है सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट. ये है उस लहंगे का स्कर्ट. ये सेमी स्टिच्ड है और इसके अंदर ऐसा एक सैटिन लाइनिंग दिया हुआ है. तो ये है इसका बॉर्डर. इसमें ऐसा एक गोल्ड बॉर्डर दिया हुआ है सेम जैसे पिक्चर में दिखाया है. प्लस इसके नीचे ये एक ब्यूटीफुल सा डिजाइन है. तो आई थिंक इट्स अ पीकॉक और अ पैरट. आई डोंट नो. बहुत कंफ्यूजन है. लाइक इसका टेल देख के तो पीकॉक लगता है पर इसका मुंह देख के पैरट लगता है. बट जो भी हो देयर इज दिस ब्यूटीफुल बर्ड डिजाइन एम्ब्रॉयडर्ड एंड ये पूरा है स्कर्ट में. इसका जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो बहुत ही क्लीन एंड नीट है एंड हर एम्ब्रॉयडरी पीस में वो स्टोन अटैच है. तो ओवरऑल वो एक अच्छा लुक देता है. ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं. एंड या आई मीन फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट इज शोन ऑनलाइन. नाउ कमिंग टू द फ्लेयर. जब तक मैं ये स्टिच नहीं कर लेती मुझे पता नहीं चलेगा इस लहंगा में फ्लेयर है कि नहीं. सो वो हम बाद में देखेंगे. पर इसमें एक लाइनिंग के अलावा कुछ और अटैच नहीं है. जस्ट लेटिंग यू गाइज नो. नाउ कमिंग टू द मटेरियल. इसका मटेरियल है बैंगलोरी सिल्क. वेबसाइट पे मटेरियल पे ऐसे ही लिखा गया है. इट इज नाइस एंड सॉफ्ट. ये मटेरियल स्टिफ नहीं है. सो अभी मैं आपको ब्लाउज दिखाने वाली हूँ और मुझे ये ब्लाउज का डिजाइन एक्चुअली बहुत ही पसंद आया बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फिल्ड विथ द एम्ब्रॉयडरी वर्क. और जब वो फुल बन के आएगा तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है. तो ये है ब्लाउज का फ्रंट. ये भी उसी मटेरियल का बना हुआ है सेम एज द बॉटम. सो ये भी बैंगलोरी सिल्क का ही है. सो ये है इसका स्लीव नंबर वन और ये है इसका स्लीव नंबर टू. मैं आपको जल्दी क्लोजअप दिखा देती हूँ इस ब्लाउज के डिजाइन का. मे भी वो बीज और स्टोन अटैच किए हुए हैं. जो ब्लाउज बनने के बाद आई थिंक वो बहुत ही अच्छा लगने वाला है. सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड. नाउ बैक ऑफ द ब्लाउज के लिए उन्होंने बस एक प्लेन मटेरियल दिया हुआ है. आई वुड हैव लाइक्ड कि अगर ये डिजाइन पीछे भी कंटिन्यू होता पर इट्स ओके. दैट जस्ट मीन्स कि मैं एक अच्छा सा ओपन बैक रख सकती हूँ विच आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर. नाउ वी गोना मूव ऑन टू द लास्ट पीस जो इसका दुपट्टा है. एंड दिस इज द ओनली थिंग जो डिफरेंट है फ्रॉम द पिक्चर बिकॉज इसका कलर टोटली डिफरेंट है. अगर आप पिक्चर देखोगे तो उस पिक्चर में एक ओम्ब्रे कलर का दुपट्टा है. सो बेसिकली वो एक लाइट पिंक से रेड होता है पर ये बस एक रेड दुपट्टा है. बट अदर देन दैट ये दुपट्टा का डिजाइन वेरी वेरी सिमिलर है उस दुपट्टा के साथ. तो ये एक सॉफ्ट नेट मटेरियल का दुपट्टा है विच आई एम सो सो थैंकफुल. इस लहंगा का प्राइस है 1699 रुपीज़ विच आई थिंक इज वेरी वेरी रीजनेबल. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 1699 कम पैसे हैं बट फॉर अ लहंगा 1699 इज really not that much. So yeah, अभी मैं जल्दी से जाके इसे टेलर के पास देती हूँ एंड उसके बाद देखते हैं ये कैसा दिखता है. Bye guys. Okay guys, so अभी 2-3 हफ्ते हो चुके हैं. एक्चुअली बीच में पोंगल मकर संक्रांति ये सब आ गया था तो इसलिए बहुत ही डिले हो गया मेरे टेलर को स्टिच करके देने में. पर ये फाइनली आ चुका है और मैं
आपको दिखाने वाली हूँ. पहले मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ. ये है इसका ब्लाउज पीस. मैंने आई थिंक पहले ही बोला था कि ये जब ब्लाउज सिल के आएगा तो ये बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि इसमें लाइक टोटल वर्क किया होगा, यू नो, पूरा स्लीव से लेके एकदम नीचे तक. सो मैंने नेक इसका वैसे ही रखा है जैसे आया था. इसमें नेक पे ऑलरेडी ऐसे ही एक राउंड कटआउट दिया हुआ था एंड मुझे वही अच्छा लगा तो मैंने उस पर ज़्यादा चेंजेस नहीं करवाए. नाउ ब्लाउज के पीछे स्लीव्स में वो डिज़ाइन कंटिन्यू होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था बैक में कोई भी डिज़ाइन नहीं है, पूरा खाली है. तो इसीलिए मैंने इसमें स्लाइटली डीपर बैक दिया है और मैंने पीछे इसके साथ एक ऐसे टाइप का एक टैसल ऐड किया है. अभी मैं आपको जल्दी से स्कर्ट दिखा देती हूँ. तो आपको तो वैसे ही पता है कि ये स्कर्ट सेमी स्टिच्ड कंडीशन में ही आया था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं हुई स्टिचिंग वाइज. मुझे बस इसके साइड को पूरा स्टिच करवाना पड़ा. फिर मैंने एक जिप ऐड किया है अलॉन्ग विद दिस रोप जो टाइटन करेगा. अदर देन दैट मैंने इस पर ज़्यादा कुछ चेंजेस बिल्कुल नहीं कराए हैं. ऑल्सो इस पर मैंने कोई कैन ऐड नहीं किया है. अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, वो टोटली ऑप्शनल है. सो मैंने मेकअप ऑलरेडी कर लिया है तो मैं जल्दी से ये पहन के थोड़ा रेडी होके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है. सो गाइज, ये है लहंगा का फाइनल लुक. मेरा फेवरेट पार्ट डेफिनेटली इसका ब्लाउज है, क्योंकि इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत ही सुंदर है. इसके स्कर्ट में बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, पर इट डज हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फ्लेयर जो मुझे अच्छा लगा. एंड दिस इज द फाइनल लुक. सो गाइज, दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड इट. आई ऑनेस्टली रियली एंजॉय दिस होल, यू नो, स्टार्ट टू फिनिश kind of videos, because not only do I buy the lehengas, but you know, I get it stitched, I get it styled and everything, and I personally really enjoy it, and I know you guys like it too, because it makes it easier for you to make a decision whether you want to buy it or not. So I really hope you guys enjoy this video, because I know a lot of people were asking for me to try more lehengas from Ethnic Roop. Also, I just want to quickly add that I have another video coming with Ethnic Roop where I'll be showing a very different product. It's not going to be a lehenga, because I think like I've shown enough lehengas. It's going to be another different product. You guys try to guess in the comments down below, and yeah, stay tuned for that video. I think even that will be very helpful, especially for this wedding you know, festive season that is going on right now. I know a lot of you guys are looking for new options and a much more you know, affordable options. So I'm always glad to bring those things for you. Please give this video a huge thumbs up if you guys did. Also subscribe to my channel if you guys haven't already, and hit that bell notification so that you guys are notified every time I upload a new video, which is on Tuesday and Friday. Also, if you guys want to be notified when I upload my next Ethnic Roop video, please hit that bell notification and subscribe, and I'll see you guys in my next one. Bye.